ओके okay. मैं वो स्टूडियो में हूँ, कुछ डबिंग कर रहा था कोई। तो हाँ, अच्छा आज जरूरी है। अरे अरे एवं तो એને કહી દે બંધ કરી દે એ બસ બસ આવાજ નહીં આવતો ચાલુ હો ના એસી ફોટા પછી આવાજ આવે બધા દે રે એસી થોડા બધા દે ના ભાઈ કદી છે બંધ નહીં બોલાય ના તમારે બંધ કરી દે ચંદ્ર जीत का दर्शन कराएगी सूखे पत्ते की तरह। फोटो मारो सूरज, सूरज फोटो ले लो। सही हाँ, सीधा कीजिए, सीधा 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 कीजिए, सीधा सीधा। अरे सीधा कर दीजिए, सीधा नहीं, रावण वाले थोड़ा और नीचे, राम वाला। सर यहाँ देखिए नीचे हमारी तलवार किधर है? हमारी तलवार की तलवार सूरत में देंगे। सर यहाँ देखिए, यहाँ पे ओके थैंक यू, बैठे बैठे सर, नजर मत लाइए। ओके चलिए, हो गया एक मिनट। सामने देखिए यहाँ पे, और किसी का रहे क्या? ओके थैंक यू, चलिए ओके। जितेंद्र भाई मिश्रा, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, और हम वैसे गुजरात में तो 20 साल से रह रहे हैं। अभी तक अपने भाजपा के साथ काम करते थे अपने। अभी 26 जनवरी 2016 से हमारी पार्टी संयुक्त विकास पार्टी चालू हुई है। 6 महीने से मैं संयुक्त विकास पार्टी के साथ हूं, और अभी तक गुजरात के अंदर कम से कम 3 से 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं अपने पार्टी के अंदर, और हमारी पार्टी अभी 26 राज्यों में काम चालू किया है, जिसका कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा सबका सहकार मिल रहा है। इसके लिए मैं भारत की जनता, अपने गुजरात प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह की जनता को बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी को इस तरह का जो है सहकार दे रही है। और आज इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने पार्टी का नाम होगा और हमारी पार्टी नंबर एक पे रहेगी, संयुक्त विकास पार्टी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मैं उमा शंकर तिवारी, लाउड बोलिए। मैं उमा शंकर तिवारी, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। सर किसके मार्गदर्शन पर या फिर किसके रक्षक कदम पर आप लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हो? हम तो हमारे होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अफरोज भाई खान, इनके मार्गदर्शन पे हमें चलना है और बहुत सारे काम हमें करना है। कोई खास वजह ये पार्टी ज्वाइन करने के पीछे? खास वजह थी कि पहले तो हम भी बीजेपी में थे, पर उनका जो चाल चलन था, जो काम करने का तरीका था, किस तरीके से क्या होना चाहिए, जो कहते हैं वो नहीं कर पाते, लालच देते हैं, प्रबोधन देते हैं, मंदिर के ऊपर कभी मुद्दा बनाते हैं, कभी शोषण के ऊपर मुद्दा बनाते हैं, किसी के अकाउंट में 15 लाख डालते हैं, ये सब कहते हैं केवल और करते नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरा एजेंडा ये था कि हम उसको छोड़ के, हमें अच्छा लगा कि इस पार्टी से जुड़ूँ, और हम नीचे के भी जो पाए होते हैं हम उसको मजबूत करें। हम गरीबों से चलेंगे, जो छोटे छोटे स्कूलें हैं
उसमें अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार बच्चों का होना चाहिए, जो ये सब नहीं करवा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, सरकारी में जो कम पढ़ाते हैं। जो प्राइवेट में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो सुविधा हमें सरकारी में मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे हैं, तो हम नीचे से शुरुआत करना चाहते हैं, किसानों से, मज़दूरों से। हमको बड़े लोगों से कंधा नहीं मिल रहा है, ये हमारी गरीबों से जुड़ी हुई है, हम गरीबों की पार्टी में रहना चाहते हैं। जो किया है सूरत विधानसभा जो अठवा विभाग बोलते हैं उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैं पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ कि एक तो मैं आम परिवार से हूँ और आम आदमी का जो सिंबल है वो मुझे मालूम है कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। आज तक मैंने इतनी उम्र में बहुत से सबको देख लिया, मैंने नाम से भी बोलना जरूरी जो नहीं है, अभी आप सबको तो मालूम है, बराबर है। तो एक नयापन चाहिए सबको, एक नया विचार चाहिए, नया रास्ता चाहिए, तभी अपनी गाड़ी, परिवार की गाड़ी, समाज की गाड़ी, देश की गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी। इसीलिए मैं ये पार्टी में जुड़ा हूं और ये पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं और जिलो जान से मैं काम करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती एम कुशवाहा, मैं गुजरात महासचिव हूँ महिला मोर्चा से। और हमारा थिंकिंग यही है कि जो आज महिलाओं के ऊपर, छोटी कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के विरुद्ध हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। और हमको ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है संयुक्त विकास पार्टी, मैं उसी के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कुछ मतलब क्या एक्शन लेना चाहती हैं? ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार हो रहा है छोटी बच्चियों के ऊपर, और बहुत से बड़े बड़े बिलम आते हैं और लोग वादे करके जाते हैं, बोलते हैं कि उनको फांसी होगी। आज तक ना तो किसी स्टेट में हमने फांसी होते देखा है और ना तो सुना है, खाली बोलने की बातें सुनी हूँ। एक्चुअली वो जो छोटी कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध जो भी है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जय हूँ वंदना पाटिल सूरत से, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ मैं। बस अच्छा, सूरत में भी पाटिल होते हैं? जी हाँ। आप बेसिकली क्या चाहती हैं, क्यों पार्टी के साथ जुड़ी हैं, आपको क्या इनकी चीज बेहतर लगी? बस पार्टी की चीज बेहतर अभी समझ रही हूँ, समझ लूंगी तो फिर आगे कुछ करेंगे। मैं भाई बहन से नमस्कार करती हूँ, मेरा नाम गीता सिंह है, मैं सूरत से हूँ, देवस्थान का सचिव। मैं इसलिए जुटी हूँ कि जो कन्या पे महिला पर अत्याचार हो रहा है कोई सुधार हो। विकास पार्टी के जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। मैं रीना जॉन और महाराष्ट्र की महिला से महासचिव। पार्टी के साथ कैसे जुड़ी, इन्होंने पूछा था। पार्टी अच्छी है, सच्ची है और पूरी ऑनेस्टी से काम कर रही है, तो मतलब अच्छा लगा। ओके, आप कहाँ से सर, थोड़ा सा आप अपने परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र मिश्रा, सूरत भरूच प्रभारी। जैसे कि आप सूरत से है, हमारे जो प्रधानमंत्री है गुजरात के प्रधानमंत्री है, ऐसा क्या लगा आप लोग संयुक्त विकास पार्टी बनाना पड़ा? क्या आपको ये जो हो रहा है गुजरात में, क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट क्यों बन रही है? डेवलपमेंट चीज अलग है, पब्लिक को क्या मिलना चाहिए वो नहीं मालूम पड़ पा रहा है। पब्लिक को जो चीज चाहिए ना उसको मिल नहीं पा रही है। डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज आपको चाहिए जो मिल नहीं पा रही है मिश्रा जी, जरा वो बताएं। विकास, विकास तो डेवलपमेंट ही तो मैं बोली जी, 4 साल से चिल्ला रहे हैं विकास आ रहा है, विकास आ रहा है, हो रहा है, कई जगहों पर तो आ भी गया। देखिए कई जगह से आने से मतलब नहीं होता, बहुत सारी जगह नहीं आया हुआ है, तो वहाँ की पब्लिक तो और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। नहीं, वक्त तो देना, बात आपकी सही। क्या आपकी पार्टी का सत्ता में आ भी गई तो क्या एक दिन में सारा विकास आ जाएगा? नहीं नहीं, मैं जहाँ पे तकलीफ है वहाँ का पहले सुधार करेंगे। लेकिन गुजरात का जो मॉडल ही देख के तो प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। नहीं नहीं, बस तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप बोल रहे क्या नहीं विकास हुआ? आप कह रहे कि विकास हुआ है उधर, तो क्या नहीं हुआ है? तो ये संयुक्त विकास पार्टी क्या करने वाला है लोगों के लिए? ये उससे ज्यादा विकास करने वाला है, जो लोगों के तकलीफ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि लास्ट में कि आपका उद्देश्य क्या, विकास तो हो रहा है, धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे विकास होने का उद्देश्य नहीं होता कि आदमी को कोई काम को चालू किया जाए तो 6 महीने वर्ष पर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, 5 वर्ष निकल जाए।
सर इधर देखेंगे इधर देखेंगे इधर बीच में कहीं भी कौन से पार्टी में थे आप भारतीय जनता पार्टी तो क्या लगा आपको भारतीय जनता पार्टी से इस पार्टी छोड़ने का मेन मकसद यह है कि इसमें ज्यादा जाति धर्म और दुनियादारी होने लगी पहले नहीं और संयुक्त विकास पार्टी ऐसी है कि अभी हमने स्टार्ट किया है तो हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो जात धर्म की पॉलिसी थी सभी को सर जितने अभी पार्टी है उसमें से चार तो मिश्रा ही थे मिश्रा थे आप ही आइए आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप जाति धर्म जब इतने चार लोग आपने कॉन्टेक्ट ये रखा कि चार मिश्रा थे हाँ। दूसरे लोगों को आपने छोड़ दिया नहीं क्योंकि कुशवाहा थी मैंने कहा दूसरे लोग थे मैंने कहा जितने लोग आए थे उसमें से चार मिश्रा लोग नहीं थे तो जाति धर्म तो यही आपके नहीं सर और कोई जाति नहीं नहीं आप यहाँ मेरे को दबाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं चार नहीं थे चार मिश्रा नहीं थे दो मिश्रा थे एक तिवारी थे एक कुशवाहा थे दूसरे अभी एम एम बोल रही थे इसमें क्या एक पटेल थे चार की काउंटिंग कैसे आपने कर दिया और मैं तो सोचता हूँ मेरी सोच है कि चार नहीं 40 हो जाए 400 हो जाए सभी लोग हो जाए पार्टी संयुक्त का मतलब क्या है हमने जात धर्म पर ये हमको लगा नहीं यहाँ जात धर्म है अभी आप बोलते हो ना कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग या भाजपा वाले या कोई भी पार्टी कोई जनेऊ नहीं पहना था जनेऊ पहन लिया किसी ने ये देखा कि हिंदू है मुसलमान है ऐसे है वैसे है तो हम इस चीज से हट करके हमने ये सोचा कि नहीं आज हिंदू धर्म सब कुछ है मुसलमान देख रहे हैं दुनियादारी देख रहे हैं कौन क्या देख रहे हैं ये चीजें आपको अच्छी तरह मालूम है आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताऊं इसके पहले हम भारतीय नहीं है क्या हाँ पहले भारतीय हैं फिर बाद में हमको किसी के धर्म से लेने क्या है हम तो एक इंसान है और इंसान तो इस पर बात करते हैं आपका क्या क्या मेन ग्रोथ पार्ट रहेगा मतलब आप ग्रोथ के लिए क्या करेंगे गुजरात के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो पहले आप सॉल्व करेंगे क्योंकि गुजरात और सूरत का स्पेसिफिक सूरत बहुत सारे प्रॉब्लम है डायमंड इश्यू है वहाँ पे रोजगार खत्म हुआ है वहाँ के लोगों को क्या चीजें क्या एजेंडा बता रहा हूँ पार्टी सबसे पहला एजेंडा ये है कि जो हमारे लेबर वर्क है जो हमारे कारीगर है उनको उचित न्याय मिलने का 12 घंटे मील चलती है 18 घंटे या 16 घंटे लेबर वहाँ काम वर्क करते हैं इन सब दुनियादारी कॉलेज इसको देखना है मेरे को डेवलपमेंट क्या कैसे नहीं सबसे पहले डेवलपमेंट क्या देखें जब हम भूखे ही रहेंगे 18 घंटे ड्यूटी करेंगे 12 घंटे ड्यूटी करेंगे उससे बाहर निकलें तो उनको हक भी तो मिलना चाहिए ना तो उनको कुछ नहीं कहते जहाँ काम ही नहीं है यूपी बिहार में एक घंटे भी काम नहीं मिलता है अब आपको अगर काम ज्यादा है तो उससे भी अभी हम गुजरात प्रदेश काम ज्यादा है नहीं आप काम जितना लेना चाहो उतना तो सैलरी भी तो देना चाहिए ना आपको अच्छा हाँ आप मेरे से मैं सक्षम हूँ 18 घंटे जॉब करने का 12 घंटे जॉब करने का उतनी सैलरी भी तो आप दे दीजिए क्या देना चाहते हैं मिलने चाहिए तो जो जिग्नेश काम से कौन भागता है आप बोलिए सर जो जिग्नेश मेवानी कहते हैं कि उनकी जो राजनीति चलती है कि रिजर्वेशन को लेके आपकी क्या पॉलिसी है जिग्नेश मेवानी तो सबसे ज्यादा उठा करके दुनियादारी कर दिया कास्ट की बात लेकर के रख दिया हमने तो पहले आपके सामने बोला कि हमको कास्ट नहीं देखना है कास्ट के बेस पर बात ही नहीं करने का हमको सबको लेकर चलना है पार्टिकुलर डिवाइड एंड रूल वाली बात तो अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे भारत में ये चीज आज भी है तो आप लोग समझौता नहीं करेंगे जिग्नेश मेवानी के पार्टी को सवाल ही नहीं नहीं होगा नहीं होगा ठीक है थैंक यू तो मैं जितेंद्र भाई मिश्रा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मजदूर संघ तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया हमारे कार्यकर्ता लोगों से या हमारे पदाधिकारियों से तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर हमको कोई तकलीफ हुई तभी तो हम दूसरी पार्टी में जुड़े और उसका कारण ये है कि आज मैं 25 साल से सूरत में रह रहा हूं बराबर और 12 साल 15 साल से भाजपा की सेवा कर रहा हूं और हम लोगों को गुजरात के अंदर भाजपा के अंदर या जो भी समझो उस पार्टी में बस वही उतना काम लिया जाता था एक यूजर के रूप में हम लोगों को यूज़ करके निकाल देते थे और कोई काम लगा आप जो है 10 गाड़ी यहाँ से भरा देना 5 गाड़ी वहाँ से भरा देना उस समय हमको जो है कार्यकर्ता के रूप में रखा गया था भाजपा में उसके बाद जो है जब 8 साल 10 साल काम किए तो हमको जो है
सभ्य कारोबारी में डाल दिया गया, मतलब हमको हमारी लायकात या जो भी है वो हमको झाड़ू मारने के बराबर तक का एक अधिकार समझ लिए और वहाँ से जो है अपने वार्ड प्रमुख बनाए। ओके, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप मजदूर यूनियन से हैं, 12 साल आपने बीजेपी को दिया, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी मोदी जी, 3 साल जी, 3 टर्म उन्होंने जी, 15 साल से थी बीजेपी जी, ऐसा तब आपने आवाज नहीं उठाई मोदी जी के समय में? सर, मोदी जी के समय में हम आवाज इसलिए नहीं उठाए कि हम भाजपा में थे, बराबर नहीं, आप जब हमको प्लीज जब हमको जो है उस लायक समझा नहीं गया। अगर एक कारपोरेशन का इलेक्शन होता है तो उसमें पर प्रांति को गुजरात के अंदर एक जो है कोई दर्जा नहीं मिलता है, हमको ऐसा समझते हैं कि ये पर प्रांति हैं, तो उसके लिए हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो संयुक्त विकास पार्टी, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अफरोज खान जी हैं, और इनसे बात हुई और इनका विचार देखे और अपना भविष्य भी देखे कि हमको लगता है ये पार्टी में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जी, गुजरात के अंदर जी, क्या बोलिए? उसमें ऐसा है कि आज जो है पर प्रांतियों को, उत्तर भारतीय की बात नहीं है, पर प्रांतीय विशेष हम जो है पर प्रांतीय हैं, तो ज्यादा वहाँ पे जो लेबर काम करता है वो तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही काम करता जी, है, पर प्रांतीय हैं सब। हाँ, तो वो तो, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि साउथ से तो ज्यादा कोई जाता नहीं लेबर, मेन तो लेबर साउथ, साउथ के भी है। आज देखिए गुजरात और यूपी, बिहार, उड़ीसा, मतलब यही ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 स्टेट के लोग हैं लेबर वर्क में, 4 से 5 स्टेट के ज्यादा लोग हैं। तो उसमें कुछ काम ऐसे हैं जैसे लूम्स चलता है, उसको या तो जो है उड़ीसा के लोग ज्यादा हैं, बिहार के लोग ज्यादा हैं, यूपी के लोग ज्यादा हैं, जो मेहनत वाला काम है वही लोग करते हैं और उनका सैलरी जो है आज की डेट में इतना जो स्किल्ड लेबरों का जो पेमेंट होना चाहिए, बेसिकली जो पेमेंट होना चाहिए वो पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है। हम भी उसकी मार खाते खाते, मैं भी डाइंग प्रिंटिंग से चालू किया था, एक कलर मिक्सर था, पहले हेल्परी किया, फिर कलर मिक्सर बना, फिर सुपरवाइजर हुआ, फिर प्रिंटिंग मास्टरी करके देख लिया कि लास्ट तक एक ऐसा स्टॉप रहता है जिसमें कि कोई हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं प्रिंटिंग मास्टर था, पेमेंट काटने के लिए 1,00,000 रुपये था और हमको मिलता क्या था लास्ट 10,000 भी मिलने में, मतलब प्रॉब्लम ही हो जाता था कि चलो ये पेमेंट कट गया, ये पेमेंट कट गया और 10,000 भी नहीं मिले तो हमारा परिवार कैसे चलेगा जी। आपके मात्र से पूछ लेते हैं सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जगदीश मिश्रा है, मैं संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग सब मिलजुल के पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? 2019 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पे कैंडिडेट उतार रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 26 राज्यों में काम चल रहा है हमारा संगठन का। तो फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग सब जितने कार्यकर्ता है संगठन, इतने बड़े लेवल में नई पार्टी जो अभी दिसंबर में लॉन्च हुई है, अभी उसका फंडिंग भी होना चाहिए, केजरीवाल भी लड़ नहीं पाए, तो आप कार्यकर्ता लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं फंडिंग, बाकी दूसरा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, सबसे पहले तो हमारे भाईजान अफरोज खान साहब जो कि SNVP संयुक्त विकास पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमने अपनी पार्टी के लिए एक नया गाना रिकॉर्ड किया है संयुक्त विकास पार्टी का, जिसका म्यूज़िक भाईजान ने दिया है और मैंने उसमें गाया है, और भी हमारी पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता वो भी उसमें हिस्सा ले रहे, गा रहे हैं। और क्योंकि मैं शुरू से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम सब मिलके हिंदुस्तानी जो भी आपस में जो हमारा भाईचारा है संयुक्त विकास, उसमें सबका विकास हो, इसलिए उसका नाम रखा है संयुक्त विकास पार्टी। और इसके लिए मैं तहे दिल से अफरोज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में इस पार्टी ने अपना एक अलग स्थान बनाया है और बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में ये पार्टी छा जाने वाली है, और अभी तक का जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये पार्टी अपना जो अपना सब कुछ देश सेवा में लगाएगी
मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। सर आज का जो गाना रिकॉर्ड हुआ जी, उसका कुछ बोल सुनना चाहेंगे उसमें? संयुक्त विकास पार्टी, संयुक्त विकास पार्टी, क्योंकि पूरा गाना अभी गा के आया, मुझे एकदम से पूरा लिरिक्स नहीं आते, लेकिन बड़ा खूबसूरत गाना बनाया जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, हम सब के रंग अनेक हैं, लेकिन आपस में हमारा जो भाईचारा है, ये हमारी जो परंपरा, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वो दुनिया में और कहीं है ही नहीं है, यही है कि इतनी भाषाएं, इतने लोग, इतने धर्म, लेकिन फिर भी सब मिलके रहते हैं। ऐसा तो मैं पूरी दुनिया में मैंने ऐसा कल्चर नहीं देखा, और इसके लिए हमारी पार्टी सबको एक साथ लेके चलने वाली, उसी उसी बेस पे ये गाना भी बनाया है जी। अफरोज भाई को क्राउन दिया गया, ताज पहन के आप नजर आ रहे हैं, किसने भेंट किया है ये ताज आपको और क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले सारे मीडिया कर्मी भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। हमारे एक तरफ हमारे जगदीश मिश्रा जी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ अरविंदर सिंह जी हैं सिंगर कंपोज़र म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे बड़े भाई। दोनों भाइयों के बीच में मैं अफरोज खान। आज का दिन संयुक्त विकास पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में टाइटल है आएगी आएगी संयुक्त विकास पार्टी, जिसको लिखा हमारे कैलाश कुमार कौशल जी बड़े भाई ने, बड़ा अच्छा लिखा है, और कौशल फिल्म प्रोडक्शन द्वारा ये गाने को लॉन्च भी हम लोग कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जैसा हम चाहते थे कि अरविंदर भाई इस गाने को, आपको भी इनके साथ और भी सिंगर गा रहे हैं, अक्षय उपाध्याय और भी सिंगर हैं बहुत सारे, तो सब मिल के इनके जो इनकी जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं वो देश हित के लिए गाना है, क्योंकि देश में जो हो रहा है जिस तरह से उनको एक बताने के लिए देश की जनता को हम लोग संगीत के माध्यम से, और इसके बाद इसका विजुअल भी करेंगे। आज जो ताज आप देख रहे हैं, ताज हमारे जगदीश मिश्रा जी ने पहनाया है, हम बड़े भाई का शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। और आज हमारे साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जितेंद्र मिश्रा जी, उनके साथ पूरी टीम तिवारी जी, चूँकि मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम सबका दिल से स्वागत करते हैं, चूँकि पार्टी हम सबकी है और हम सब मेहनत करके लेके जा रहे हैं। और अखिलेश सिंह जी का धन्यवाद, अखिलेश सिंह जी हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और जैसा कि पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और इस समय पार्टी जो है पूरे देश में 543 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी आज़ादी है, जितनी फ्रीडम और हमेशा रहेगी। संयुक्त विकास पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़े कार्यकर्ता सब अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये नहीं कि अफरोज खान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बाकी नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से सबका पद वितरण किया गया जैसे भाईजन ने बताया, तो ये एकदम सही है कि जितना फ्रीडम, जितना रिस्पेक्ट, जितना रिगार्ड इस पार्टी में है सभी धर्म सभी वर्गों के लिए कहीं नहीं मिलेगा। हमारी बहुत सारी बहनें आई हुई हैं, चूँकि मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, चूँकि अगर मैं नाम गलत लूँगा तो उसमें भी रिस्पेक्ट ख़त्म होता है। और सेकंड जो आज टाइटल है, हमारे अविनाश शाही जी फिल्म एक्टर हैं, वो अभी लगता है अंदर में है, उनको बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट इसमें करेंगे, और तमाम जितने भी स्टार्स आए हैं हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के मुबारक मौके पे मुबारक मौके पे मैं चैनल के माध्यम से एक सवाल उत्तर भारतीय जितने भी हमारे हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि 25 नवंबर को माननीय उद्धव ठाकरे जी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, चैनल वाले मेरी बातों को बड़े खूब बढ़िया से और खूब अच्छा से कहना दिखाना। आज लता जी के स्टूडियो में हम अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और भी तमाम लोग हैं। मैं ये उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भगवान श्री राम की धरती पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ जाके एक वचन ज़रूर लीजिएगा, वो वचन क्या होगा मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उद्धव जी आप वहाँ जाके ये ज़रूर वचन लीजिएगा कि भगवान श्री राम जी हम जब यहाँ आए हैं तो मैं आपके सामने अयोध्या में वचन लेता हूँ कि उत्तर भारतीयों के जो जुल्म होती है बम्बई के अंदर, जितना मारा जाता है उनको पीटा जाता है, आज के बाद
हमारे कोई शिव सैनिक वाले भाई उत्तर भारतीयों को नहीं मारेंगे। और आप देखिए उत्तर भारतीयों का दिल कि आज आपके जाने की खुशी में वहाँ पे लोग आपका स्वागत के लिए तैयार हैं, तो कम से कम यहाँ के जो शिव सैनिक भाई हैं वो सीखें कि ये देश भारत माता का देश है और हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं, जो भी हम लोग कहते हैं, हम हमारे देश के अंदर जो आज मेरा गाना है रिकॉर्ड हुआ है सही आएगी आएगी संयुक्त विकास पार्टी, भाईजान यही मिसाल देता है कि हम सब पहले भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें किसी भी तरह से किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे जी आपसे रिक्वेस्ट है, शिव सैनिकों के जितने भी सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो तांडव करते हैं वो तांडव उत्तर भारतीय को ना मारे, चूँकि वो राम जी की नगरी से आए हुए हैं, कृष्ण जी की नगरी से आए हुए हैं। अफरोज भाई क्या मुद्दे होंगे बेसिकली पार्टी के, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हो जी, लोकसभा कंटेस्ट करना चाहते हो आप सब लोग, तो क्या बेसिकली मुद्दे होंगे जो जिन्हें नजर में रख के ये चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी अगर इंशाल्लाह सरकार में भागीदारी लेकर आती है, जैसा हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे जो मुद्दे हैं बहुत एकदम सटीक हैं कि भारत के अंदर जो आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण की बात ख़त्म कर दीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। देश को बांटने का काम बहुत हो गया, आप कोई देश को बांटने की कोशिश ना करें, और बांटने की कोशिश करेगा तो संयुक्त विकास पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी 100%। पूरे देश में हम इसका आंदोलन करेंगे और हम लोग अभी इस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण आरक्षण बहुत हो गया। आरक्षण कभी पटेल जी आके बोल देते हैं आरक्षण दो भाई, कभी उधर मीना समाज को तो मिला हुआ राजस्थान में, हमारे गुजर भाई बोल देते हैं तो कल पठान बोल देगा, मराठा आ जाते हैं, कभी मराठा आ जाते हैं, क्या मतलब है भाई? अरे मेहनत करो और अपना हक लो। और अगर आरक्षण की बात लोग करते हैं तो भाई गरीबी तो सभी धर्म सभी वर्ग के अंदर है, आर्थिक आधार पर दो ना आरक्षण, हम मना नहीं करते, हमारी पार्टी उसका विरोध नहीं करती है। आज ब्राह्मण कितने रोड पे भीख मांग रहे हैं, सरदार कितने परेशान हैं, पठान कितने परेशान हैं, सभी धर्म सभी वर्गों में गरीबी है। आज मोदी जी ने वो SC ST वाला मार्टर ला के खड़ा कर दिया, क्या बखेड़ा भाई, तो आपने प्रूफ कर दिया, जैसे मोदी जी ने बोला था भाई बहनों मैं देश का बेटा दलित बेटा हूँ, तो आपने तो प्रूफ किया, वोट के लिए तो किया आपने, भाई आप राजनीति में आए हो तो दलित और मुस्लिम और हिंदू क्या, अरे यार हम वी आर इंडियन वी आर इक्वल, हम सब भारतीय हम सब हिंदुस्तानी है। देख सेकंड युवाओं को रोजगार की बात हो रही थी, युवाओं को रोजगार कितना मिला, लेकिन हाँ हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह जिस दिन संयुक्त विकास पार्टी का अगर केंद्र में भागीदारी होता है तो इतना तय है, आज देश में 51 लाख करोड़ का कर्जा है, अरे हमारी सरकार बना दो, भारत के सभी नौजवानों से कहता हूँ 51 लाख करोड़ का कर्जा संयुक्त विकास पार्टी 15 साल में कर्जा उतार देगी वर्ल्ड बैंक का, 15 साल में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने भाईजान एनालिसिस किया है कि जो 51 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे देश के ऊपर, क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी, बोलिए ना। नहीं आपने 15 साल का वक्त कहाँ दिया मोदी जी को, आपने तो खाली 4 साल दिए, 4 साल में क्या किया, 4 साल में और कर्जा बढ़ ही रहा है ना, डॉलर कहाँ था 64, 66, 65 रुपया था, कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, कितना बच्चा पैदा होता है फिर मम्मी बोलती है वो आ करता है, फिर बोलता है बेटा A4 Apple, फिर A4 Apple बोलता है ना, अब जाके बच्चे को 3 साल में जाके एडमिशन कराते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये क्या मतलब है, 5 साल के लिए बना दो यार हमारे देश में, हमारे पार्टी का कोई भी एक बंदे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो देश के युवाओं से बोलता हूँ बनाओ, उसके बाद देखो जब हम लोग आपकी दुआ से अल्लाह करा में जब ढोलक तबला से आवाज़ निकाल लेते हैं तो इंसानों से आवाज़ निकालने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा कलाकार ज़्यादा बेहतर नेता हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे? अरे मैंने क्या बोला, उसके अंदर अल्लाह ताला ने सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ विराजमान है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी है उसके अंदर कि वो चीज़, हमारे घर में इतने लोग हैं काहे नहीं सब संगीतकार बन गए, हमारे पूरे ज़िले में अगर रिकॉर्ड देखोगे तो एक संगीतकार भाई दिखाई देता हूँ, बाकी कोई दिखता नहीं है, ये भाईजान है इनके हिमाचल से मेरे ख्याल से एक ही संगीतकार दिखते हैं, दूसरा कोई संगीतकार ही नहीं है, गलत बोला भाईजान, सिंगर एक दो हो सकते हैं, नेहा कक्कड़ इन्हीं के गाँव के आस पास की हैं, इनकी बेटी है खुद, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो कलाकार काम कर रहा है आज देश के लिए, अरे एक मौका दो ना यार कलाकार, क्या हम इंसान नहीं है, हम भी तो इंसान है, हमें एक मौका मिले, मुझे लगता है कलाकार बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मुझे लगता है उनसे ज्यादा सेंसिटिव कोई दूसरा इंसान हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और दूसरे के दर्द को दूसरे के खुशी को वो अपना समझते हैं, और ज्यादातर कलाकार आप देखिए मुझे लगता है सब
दूसरों को खुशी देना चाहते हैं। कलाकार का जैसे धर्म भी वही है कि वो सबको खुशी दे, किसी के चेहरे पे भी मुस्कान ला के कलाकार को बहुत खुशी होती है। अफरोज भाई, कैंडिडेट्स कैसे चुने जाएंगे आपके? हमारे जो कैंडिडेट चुने जाएंगे, एक हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बैठे हुए हैं, ये भाईजन बैठे, कैंडिडेट हमारे जो चुने जाएंगे जो साफ सुथरी छवि के लोग, हम केजरीवाल जी की तरह नहीं बोलते कि हमारे यहाँ तो सब अच्छे हैं और पता चला इतने लोगों पे FIR दर्ज है, ये सब दर्ज है, ये सब नहीं, पूरा सिलेक्शन चल रहा है। और अभी हम लोग 26 जनवरी को वलसाड़ में जब पार्टी का जन्मदिन मना रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी हमारे भाईजन की है। और भाईजन, आप 26 जनवरी को चलेंगे पार्टी के जन्मदिन में? पिछली बार आप नहीं थे, चूँकि आप शायद बाहर थे, इंडिया से बाहर थे, तो वो उस समय हम लोग उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेंगे इंशाल्लाह। अब जगदीश मिश्रा जी से जाएंगे, भाईजन से कुछ दो शब्द बताएं। हमारी पार्टी में जोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने की बात नहीं है, और हर धर्म हर समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जमीन से उठे हुए लोग अच्छा काम करके जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कितने कार्यकर्ता हैं अभी तक अप्रोच? इस समय हमारे पार्टी में 2 करोड़ के ऊपर मेंबर हो चुके हैं, 26 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं और एकदम जमीन से काम कर रहे हैं। विकास पार्टी का उपाध्यक्ष यहाँ से, और आज हमारी पार्टी का सॉन्ग आएगी आएगी, आज इसको हमारे भाई ने गाना गाया भूपेंद्र सिंह जी ने, और म्यूजिक अफरोज भाई का है, हमारे का सॉन्ग बना है। और हमारी पार्टी जो अग्रसर हो रही है हर क्षेत्र से हमारे देश में, बड़ी खुशी की बात है, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, ये मिलता रहे हमेशा। हमारी पार्टी जो एक स्वच्छ पार्टी है, इसमें ना ही कोई दबंग है और ना ही कोई तुप और तलवार वाला है, हम सब प्यार वाले हैं और मेहनती हैं, मजदूर हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टी को एक बड़ा ही मजबूती के साथ अपने देश को सुरक्षा प्रदान करें, जो जय जवान जय किसान की एक बोल थी हमारे देश में आज भी है, वो हमारी पार्टी पर लागू होती है और हम वही करने वाले हैं। आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही मिलती रहे। अविनाश जी, क्या आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार बिहार से? नहीं, अभी नहीं लड़ने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं दर्शकों के सामने जो हमारी बहुत सारी फिल्में जो पड़ी हुई है वो रिलीज पे है और बन रही है, उसके बाद मैं एक टाइम जरूर लड़ूंगा चुनाव। भोजपुरी फिल्मों से आपके कोई मित्र है या किसी को आप चाहेंगे कि वो पार्टी के साथ जुड़े, या फिर जिससे आपने बात की हो कि भैया और इलेक्शन लड़ो कम से कम? हमारी इंडस्ट्री से, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी में, और आगे और भी जुड़ने वाले हैं। रही इलेक्शन की बात, तो उसकी एक बैठक होगी जिसमें हम निर्णय लेंगे कि कौन मतलब चाहता है कि मैं अभी इलेक्शन लड़ूँ, वहाँ से चुनाव लड़ूँ। जी, कौशल से पूछ रहे थे सर, ये गाना आपने मीडिया कर्मी को मेरी ओर से जी हाँ पूछिए, गाना आपने लिखा है, जरा कैसे कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लाए आपने, और जब अफरोज भाई ने कहा होगा कि भाई गाना लिखना है, ऐसा ऐसा पार्टी के लिए लिखना है स्पेशली, तब मतलब प्रेशर हुआ होगा या फिर आपने क्या किया स्पेशली? सर, हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 60 साल लगभग हो चुके हैं, और जब वो परतंत्र था और परतंत्रता से की बीड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत जद्दोजहद किया और आज़ादी पाई। आज़ादी पाने के उपरांत कांग्रेस का शासन आया, लंबे समय तक शासन किया, लेकिन परिवर्तन जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी का शासन आया, बीजेपी से जो उम्मीद थी हमारे देश के नवयुवकों ने, सीधा हमला करेंगे और हमारी पार्टी देश में राज्य करेगी, आगे चलेगी। आप खुद भी चुनाव लड़ने वाले हैं? जी नहीं। सर, जो आप गाने लिखे हैं दो शब्द बताइए। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी कांग्रेस बीजेपी, केजरीवाल जी को राजा सब लिखे।